इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई एक बड़ी और अच्छी खबर आती हुई दिख रही है, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनियों के लिए। हमारे संवाददाता अनुराग शाह हमारे साथ तैयार हैं, जो इंश्योरेंस सेक्टर पर रखते हैं गहरी पकड़। बताइए अनुराग, क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनियों के लिए किस तरह से है फायदे की बात? देखिए, तीन वजह है जिस वजह से जो आगे चलकर हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो 10% तक बढ़ सकता है। सबसे पहली वजह है कि जो कोविड के क्लेम्स हैं उनका 14,000 करोड़ तक के जो दावे हैं वो जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के पास आ गए हैं। दूसरी वजह है कि एक्सक्लूजन जो है, जो IRDA ने स्टैंडर्डाइजेशन किया एक्सक्लूजन का, तो कई सारी जो बीमारियां जो एक्सक्लूजन के दायरे में थी उनको अब कंपनियों को अपने उसका भी कवरेज देना होगा पॉलिसी के अंदर। और तीसरी वजह है कि मेडिकल इन्फ्लेशन जो है करीब 18 से 20% तक बढ़ा है। तो इस वजह से, इन तीन वजह से इंश्योरेंस कंपनियों को जो अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है वो 10% तक बढ़ाना पड़ेगा। 10% तक जो प्रीमियम बढ़ने वाला है, इसका क्या किन कंपनियों को फायदा पहुंचेगा और ये कब तक होने की उम्मीद है? देखिए, अमूमन जो है कंपनी अपनी रेट रिवाइज करती है वो नए फाइनेंशियल ईयर से करती है, तो 1 अप्रैल से जो है ज्यादातर कंपनियों को अपना प्रीमियम बढ़ाना पड़ेगा। तो जो अगर लिस्टेड स्पेस में हम बात करें तो न्यू इंडिया एश्योरेंस, ICICI लोम्बार्ड, ये दो प्लेयर हैं जिनको है जिनको फायदा होगा और जिन जो है 10% तक अपना प्रीमियम बढ़ा सकते हैं। ओके, तो नजर रखें ICICI लोम्बार्ड इन पर्टिकुलर, और स्टॉक पर भी रिएक्शन आते हुए दिख रहा है। अनिल जी, कैसे समझे इस खबर को? जैसा अनुराग बता रहे हैं, प्रीमियम्स 10% से बढ़ सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के, और ऑफकोर्स सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट देखते हैं सर? दीप, इसमें जाहिर सी बात है कि देखिए, क्लेम्स जो बढ़े हैं पिछले साल के, उसको देखते हुए इन सारी इंश्योरेंस कंपनियों के पास एक अच्छा बेस है, ये रीजन है। लेकिन ये क्लेम्स जो बढ़े हैं वो सिर्फ कोरोना वाले क्लेम्स बढ़े हैं, अदरवाइज उसके अलावा आप देखें तो आमतौर पर पिछले एक साल में लोग अदरवाइज हॉस्पिटल बहुत कम गए, ज्यादातर लोगों ने पूरे लॉकडाउन में घर में वक्त बिताया और दूसरी बीमारियां कम से कम हुई है। एक्सीडेंट्स वगैरह जो जनरली हेल्थ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम होती है उसमें उनका जो बड़ा पोर्शन होता है कि इंश्योरेंस वाले जो क्लेम होते हैं वो भारी भरकम होते हैं। तो ऐसा नहीं कि खाली ये कहने के लिए, एक्चुअली इन्हें प्रीमियम बढ़ानी है, तो प्रीमियम बढ़ाने के लिए बढ़िया बहाना है कोरोना का, तो उस हिसाब से बढ़ा रहे, लेकिन इनको होगा तगड़ा फायदा। प्रीमियम बढ़ाने का सीधा सीधा इनको आप देख लीजिएगा प्रॉफिट में फायदा होता हुआ नजर आएगा, ये चीज क्लियर है। और दूसरा ये कि डबल फायदा है। फायदा कैसे? एक तो ये कि ये प्रीमियम बढ़ा लेंगे, और दूसरा ये कि कोरोना के बाद सब लोगों को समझ में आ गया, जिन किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस कम था, अब वो अवेयरनेस भी बढ़ रही है, लोगों को लग रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस पूरा हमारे पास होना भी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, वो होता हुआ दिख रहा है। तो ये दूसरा बड़ा फायदा है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों चीजों को देखते हुए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों में एक बढ़िया तेजी बन सकती है और बढ़िया एक्शन बन सकता है। इंश्योरेंस कंपनियां, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस वाली हो, हेल्थ इंश्योरेंस वाली हो, ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है तो आपके लिए। और सबसे ज्यादा देखिए, लिस्टेड स्पेस में अगर किसी को एक को फायदा होता तो वो न्यू इंडिया एश्योरेंस है ही है, ICICI लोम्बार्ड दिग्गज शेयरों में, ये दोनों तो डायरेक्टली आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं। आदित्य बिरला कैपिटल, जिसमें आदित्य बिरला का जो हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस है, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है, वो इस कंपनी में है, इनके अंडर में, तो इसके लिए भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदे की बात है। तो ये सारी कंपनियां, इसके अलावा भी इनडायरेक्ट बेनिफिट वाली तो बहुत सारी कंपनियां आपको मिलेगी, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट वाली ये कंपनियां जिनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस बड़ा हो सकता है।